सो हाँ जी दोस्तों नमस्कार। बिग बॉस 18 शुरू होने का जो टाइम लगभग करीब आ चुका है और ऐसे में एक कंफर्म कंटेस्टेंट सामने आ चुका है। अब कौन है वो देवी या देवता, जो भी हो, कौन है वो देवी देवता भाई, नाम विद फोटो के साथ में आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं और क्यों इनका सिलेक्शन हुआ ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिग बॉस 18 की सारी अपडेट आपका भाई इसी चैनल के ऊपर लाता रहेगा। अब भाई बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, जो भर भर के कमेंट कर रहे हो कि भाई इस बार क्या लाइव शो नहीं होगा। जी हाँ भाई, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बताओ ये वाला सीजन जो होगा बिग बॉस 18 का ये लाइव नहीं होगा। जो कलर्स पे और जियो सिनेमा पे जो एपिसोड आएगा 1.5 घंटे का, बस सिर्फ वही देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो अच्छा भी है बुरा भी है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो एक अपलोड की है, आप ऊपर देख सकते हो, आई बटन पे मैंने डाल दिए, उसके साथ साथ में आपको थंबनेल भी दिखा दिया मैंने। तो भाई आप जाके मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने पूरा बताया है कि शो तो लाइव चलेगा लेकिन जियो सिनेमा और कलर्स पे क्यों नहीं आएगा, क्या रीजन है उसका, आप कहां से 24/7 लाइव देख सकते हैं, सब कुछ बताया भाई। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन से सब कुछ, बिग बॉस के अपडेट मिलने के लिए भाई चैनल जाना जाता है। ठीक है, तो भाई आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बिग बॉस 18 के फर्स्ट कंटेस्टेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है वो है निया शर्मा। जी हाँ भाई, खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को होस्ट कर रहे सुनील ने यहाँ पर जो खतरों का खिलाड़ी जो फाइनल प्रीमियम चालू हुआ, जो फिनाले का जो वीक था उसके अंदर क्या हुआ कि भारती नाटी लड़की है, मोटी मोटी जानते होगे आप, भारती सुनील और निया शर्मा गए थे और वहां पर खतरों के खिलाड़ी में जितने कंटेस्टेंट थे उन कंटेस्टेंट के सामने निया शर्मा का नाम घोषित किया गया। लेकिन दोस्तों आपको बताया जाता हूं, खतरों के खिलाड़ी 14 सीजन के जो विनर रहे वो करणवीर मेहरा रहे, अभी सना मकबूल के साथ में इनका एक सॉन्ग भी कल परसों के डेट पे आ रहा है और ये सुनने में ऐसा आ रहा है कि करणवीर मेहरा भी बिग बॉस 18 के लिए इन्होंने साइन कर दिया है, रेडी हो गए आने के लिए। ऐसे में करणवीर मेहरा ने बहुत अच्छा किया क्योंकि खतरों के खिलाड़ी के सीजन से वो विनर हुए हैं, थोड़ा हाईलाइट भी माहौल है, गर्मा गर्मी बनी हुई है और थोड़ा पॉपुलर भी है इस टाइम पे। तो ऐसे में अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि बिग बॉस के घर उनको जाना चाहिए तो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनके फेवर में काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनकी तरफ से नहीं किया गया है। 6 अक्टूबर से यहाँ पर बिग बॉस की स्टार्टिंग होने जा रही है तो भाई नाम कंफर्म होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपको बता दे भाई कि कुछ 10 से 11 कंटेस्टेंट कंफर्म हुए थे, उसके बाद भी वो लोग छोड़ छोड़ के चले गए, जैसे धीरज धूपर हो गए हमारे, ठीक है, शहजादा धामी हो गए, ईशा कोपिकर हो गई, ठीक है, तो ये कंटेस्टेंट छोड़ के चले गए। तो इसीलिए बिग बॉस ने अभी कोई भी लिस्ट नहीं डाली है, एक नाम कंफर्म होता जा रहा है तो वो चीज मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो निया शर्मा फिलहाल कंफर्म हो चुकी है, अभी 17-18 कंटेस्टेंट और आने बाकी है, पूरी अपडेट दूंगा भाई। सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।